करने का निश्चय लो। इसी तरीके से आप लोगों को सभी को मिल करके इस युद्ध को जोर शोर से लड़ने का संकल्प लेना पड़ेगा, प्रतिज्ञा करना पड़ेगी। हमारे साथ में विष्णु तिवारी, जो बेगुनाही का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सबूत है, इनका कोई गुनाह नहीं था, कोई अपराध नहीं था, कोई दोष नहीं था, बावजूद उसके 20 साल तक इन्होंने जेल में काटे हैं। ये कितना हास्यास्पद है, कितना मजाक है। हिंदुस्तान की जुडिशरी क्या यही जुडिशरी है? हिंदुस्तान की पुलिस क्या यही पुलिस है? हिंदुस्तान के अंदर जो है पुलिस टेररिज्म फैला हुआ है, लीगल टेररिज्म फैला हुआ है, जुडिशरी आतंकवाद फैला हुआ है। तो विष्णु तिवारी इस समाज के द्वारा सताया वो नहीं है, ये पुलिस आतंक के द्वारा सताया हुआ है, जुडिशरी टेररिज्म का शिकार है। तो हम सभी लोगों को मिलकर के जुडिशरी टेररिज्म के खिलाफ, लीगल टेररिज्म के खिलाफ और महिला कानूनों के आतंक के खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाना है। हम जब हमारे फंडामेंटल राइट्स में रूल 14 और रूल 15 में लिखा है इक्विलिटी बिफोर द लॉ, विष्णु तिवारी शायद संसार का इकलौता एक उदाहरण है जिसके सामने इक्विलिटी बिफोर द लॉ कहाँ है। एक झूठी औरत, एक मक्कार औरत, एक लंपट औरत, एक संस्कारहीन औरत, एक सीधे साधे सज्जन गरीब पुरुष के ऊपर आरोप भर लगा देती है, न आईओ जांच करता है, न जुडिशरी को दिखाई देता है, सारे अंधे लूले लंगड़े बैठे हुए हैं और इस बेगुनाह आदमी को 20 साल तक तिल तिल करके अपनी जिंदगी को जेल में गुजारना पड़ता है। ऐसे कई कई लोग हिंदुस्तान में हैं जो मीडिया के सामने नहीं आते हैं, कुछ चीज़ें मीडिया के सामने आ जाती है। तो विष्णु तिवारी एक बहुत बड़ा ट्रू विक्टिम का उदाहरण है हमारे हिंदुस्तान में, और हम इनके साथ मिलकर के और ऐसे ही कई विक्टिम के साथ में मिलकर के जोरदार बुलंद आवाज के साथ में पुरुष आयोग की डिमांड करने के लिए जंतर मंतर पर आज 4 अप्रैल 2021 को हम यहाँ पर आए हैं। हिंदुस्तान की सरजमी से 20-25-30 एनजीओ भी आए हुए हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर बहुत बृहद आंदोलन होने के लिए जा रहा है। एक बार फिर से हिंदुस्तान हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, पुरुष आयोग, 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 पुरुष आयोग।